अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्कूल सिस्टम, स्कूल सॉफ्टवेयर, जिसमें आप किसी भी बच्चे की डेटा, मतलब बच्चों की डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। एप्लीकेशन फॉर्म में आप स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ये देखें, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, फादर नेम, सर नेम, रिलीजन एंड ये सारे डेटा आप रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एज जो है ऑटो है, अगर हम कोई भी एज देंगे तो ये ऑटो जो एज होगी उस बच्चे की वो ऑटो ये कलेक्ट करेगा। उसके बाद आप यहाँ से सीरियल नंबर से किसी भी बच्चे की डेटा खोल सकते हैं आप। जैसे कि मैं अली वारिस की खोलना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ जस्ट 3 इनपुट करूँगा तो अली वारिस की डेटा मेरे पास आ जाएगी। सो मैं फर्स्ट वाले की तरफ जाता हूँ वापस। उसके बाद जी आर सबका डिफरेंट होगा, मैंने सेम ही इनपुट किया हुआ है, तो जी आर की मदद से भी आप उस बच्चे की डेटा पे जा सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट जिसका भी टाइप करेंगे आप, वहाँ उसका नाम आ जाएगा और उसकी आप रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, सिंपल। उसके बाद यहाँ से आप सेंड, बैक और आगे जा सकते हैं। यहाँ पर देखें, हम फर्स्ट वाले की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप फीस रिकॉर्ड देख सकते हैं। देन अटेंडेंस आप यहां पर देख सकते हैं कि इस बच्चे की कितनी अटेंडेंस है। यहां पर फर्स्ट टर्म मार्क्स हैं, सेकंड टर्म मार्क्स, थर्ड टर्म मार्क्स एंड फाइनल मार्क्स। और आप इस डेटा को मींस आप इस स्टूडेंट जो डेटाबेस है उसको आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। यहां से सेव करेंगे तो आपकी डेटा जो होगी वो एक्सेल की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ से आप न्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं। न्यू करेंगे तो यहाँ पर सारा ब्लैंक आ जाएगा और आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं सारे स्टूडेंट की। और यहाँ पर पिक्चर आप दे सकते हैं, डबल क्लिक करने से ये फॉर्म खुल जाता है और यहाँ पर आप ऐड करेंगे अपने कंप्यूटर से फ़ोटो लेके आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जाते हैं हम रसीद सिस्टम। यहाँ पर रसीद आप न्यू करेंगे रिकॉर्ड तो ये सारा ब्लैंक हो जाएगा और आप स्टूडेंट नेम डालेंगे और रसीद नंबर डाल के आप जो है अपने स्टूडेंट की फ़ीस कलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर होगा उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो होगी वो यहाँ पर हमें शो करेगा, जो भी हिस्ट्री होगी उसकी, जो भी ए टू जेड सारी हमें यहाँ पर शो करेगा। ये देखें, सपोज़ ये न्यू हो गई तो आप जैसे ही यहाँ पर इंटर करेंगे किसी भी बच्चे की तो उसकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो हमें यहाँ पर दिखाएगा, पर इस बच्चे की कोई ट्रांजेक्शन नहीं तो वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और उसी तरह आप यहाँ से जो ट्रांजैक्शन की रसीट होगी उस पर आप जा सकते हैं डायरेक्ट, ये देखें। और यहाँ से आप आईडी जो होगी रसीद की वहाँ उस पर भी जा सकते हैं, सिंपल। और आप इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट मींस एक्सेल भी कर सकते हैं। ये हो गया फीस फॉर्म, रसीद फॉर्म। नाउ चलते हैं रिज़ल्ट पर। आप इस फॉर्म से किसी भी बच्चे, मतलब किसी भी क्लास की रिज़ल्ट देख सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ऑटो, यहाँ पर ये ऑटो जो है रिज़ल्ट कैलकुलेट करता है। बस आपको क्या करना है, मार्क्स इंटर करनी है और ये आपको रिज़ल्ट खुद ही जो है कलेक्ट करके देगा, मतलब कैलकुलेट करके देगा। इसमें यहाँ पर देखें बी ग्रेड आ गया। अभी मैं 20 डालूँगा और 20 तो सी ग्रेड आ गया, मतलब वो खुद ही कैलकुलेट कर रहा है ग्रेड्स को और कलर में दे रहा है कि आपको आसानी हो कि कौन पास है, कौन फेल है, कौन कौन सा किसका किस कितना ग्रेड है। ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और उसके बाद इन तीनों टर्म्स को मिला के ये कैलकुलेट कर रहा है फाइनल टर्म यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 दे दे, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस, ये है अटेंडेंस फॉर्म। इस तरह से आप अटेंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है गो टू आईडी, उस अटेंडेंस की आईडी होगी ये। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उस बच्चे की प्रेजेंट बढ़ती है और एब्सेंट कम होती है, मतलब ये इस तरह से आप किसी भी बच्चे की मतलब एब्सेंट और प्रेजेंट लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये डेमो, और
मुझे आप मैसेज करके और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स की हैं मैंने। तो शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।